राम राम सबको। राम 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 सबको। देखो आप सब एकत्र हुए हैं, प्रजातंत्र है, इसमें हर किसी को अपनी अपनी बात रखने का हक है, हम भी पूरा उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जो संस्थाएं हैं ये भी आप ही के समाज से बनी है, जैसा हमारा समाज होगा संस्थाएं भी उसी का एक रिफ्लेक्शन है। तो मेरी आप सबसे एक गुजारिश है कि चलो आपने नागा वहां से ब्रीच करके यहाँ तक आ गए, अब एक हमने और आप में जो सम्मान की लाइन है वही म्यूचुअल हमने रखनी पड़ेगी। हम भी इसी धरती पे पैदा हुए, उसी से निकल के आए हैं, हम अपनी ड्यूटी से बंधे हैं, आप अपनी ड्यूटी से बंधे हैं। तो कार्केट इसी रास्ते से होके जाना है, आप अपने शांतिपूर्वक तरीके से आप अपने जो जो आपने प्रदर्शन करना वो आप कर सकते हैं। तो हमारी यही गुजारिश है कि अब जो आगे है ऑफिशियल फंक्शन है ये भी, अब हम भी आप ही के बालक हैं, इसी समाज से निकल के आए ना, अब हमें जो सरकार ने ड्यूटी दी है वो तो ड्यूटी से, यदि हम अपनी ड्यूटी से हट जाए तो फिर हमारी मतलब अच्छी बात नहीं है। तो यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी मतलब इसको सम्मान दें इस चीज को, पर आप शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे आप आराम से बैठ के अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। थैंक यू जी साहब। सर 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 एक मिनट सर जी, एक बार जो परली साइड से जो अंदर जाने के लिए जो आ रही है ना लेडीज वगैरह, उनसे आप ये रिक्वेस्ट है कि और किसी रास्ते से पूछा दो, क्योंकि वे यहाँ से आते हैं यहाँ झगड़ा होता है। और पांच मिनट हम बात ला लेते हैं सर, पांच मिनट में बात कर लेते हैं। डीसी साहब आए, देखो हमें जवाब तो इनको देना पड़ेगा, तो अब पोल बतला के सुनो, जवाब सुनो। हाँ डीसी साहब, जवाब यू है, हमारा कानूनी अधिकार है अपना आंदोलन करने का, विरोध करने का। मैंने सबसे पहले सुनो, कही है। सुनो कई कई है आपको, बैठ के कर ले यार ये बात, आप नहीं बातें नहीं सुनो। हमने हमारे साथ क्यों ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हो आप, कोई दुर्व्यवहार नहीं, सुनो क्यों रोक रहे हो।